मेरी आज ब्रंच हो रहा है, आरती ने बनाया प्याज के पराठे, मम्मा ने बनाया, आरती ने बनाई है लस्सी। देखो झाग वाली कैसी है, तूने पी ली? इसका व्लॉग अभी शुरू हो रहा है, सुबह से हमें थोड़ी सी भसड़ हो रखी है, बट ठीक है। आरती थोड़ा गुस्से में आ गई थी, अब शांत हो गई थी। अच्छा मेरी और बुआ यहाँ लंच कर रही है, पहले मैं कैप्चर कर रही थी, उन्होंने हटा दिया। और यहाँ आज हमारे घर आइसक्रीम बन रही है, होममेड आइसक्रीम। मम्मी रात को क्या बनाया? अभी रात को क्या बनाया? पेट डाल के लाती हूँ। किसको चाहिए? दाल ही बन रही है, चाहिए लंगा वाली दाल बनानी। मैं तो चावल। हाँ मैं भी चावल, सुबह वो चावल का एक छोला पड़ा खा लेंगे। वो चटनी बना देंगे फिर यार, उस दिन कितनी अच्छी बनाई। अब आइसक्रीम बन रही है, काट काट के देखो इतने ऊपर तक आ गई। ये बेसिकली दूध और बर्फी होती है, और इसको काटते हैं अच्छे तरीके से, और फिर हम इसको अपना जो कुल्फी वाला स्टैंड नहीं होता उसमें डालेंगे। बहुत अच्छी बनती है, होम मेड आइसक्रीम है। और भी चीज़ें डाली होगी मम्मी ने, जैसे इसमें इलायची दिख रही है, सौंफ दिख रही है, बस बीच बीच में काटने आना होता है इसका। बैच 2 मिनट में शुरू हो जाएगा, जल्दी लिखो अपने डाउट्स। सो गाइस मैं अभी भी फ्री नहीं हो रखी, मेरा अभी एक बैच चल रहा है और 7 बजे तक मैं फ्री हूं। एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, मैं मतलब अब फ्री होंगी। और उसके बाद देखो आज मेरा सेशन भी एक टारो का, तो देखते हैं कैसा चलता है। और व्लॉग अब मैंने आज बहुत लेट शुरू किया था गाइस, यहाँ पे सुंदरकांड पाठ चल रहा है। आरती और बुआ सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, और मैं और पापा इस रूम में चिल कर रहे हैं। है पापा? मैंने रखा हुआ है। वो देव हितकारी जैसे राम कृपा तो नहीं है मेरे और मेरे पापा में, बुआ और आरती तो लगी हुई है पाठ करने में, मैं और पापा ही खा लेते हैं। पापा पहले तो खा रहे हैं समोसे, उसके बाद खाएंगे टिक्की, फिर खाएंगे गोलगप्पे। सब पापा ने मंगवाया आज बुआ के लिए, फिर कल बुआ चली जाएंगी ना तभी। पापा जी ने मंगवाया गोलगप्पे पड़े आज, फूड में सब बने हैं, देख लो इतनी वैरायटी मंगवा दी यार। तो मम्मी ने सजा दी, हरी चटनी नहीं डालते मम्मी? बना रहे मेरी और अपनी टिक्की, मम्मी की टिक्की का स्टाइल अलग था, पापा की टिक्की का स्टाइल अलग है। ये गोलगप्पे वाला है मम्मी, पहले डाली पापा ने हरी चटनी। ढकना खोल इसका, ज्यादा मत डालना तीखी ना हो जाए। मम्मी स्टाइल देख लो पापा का, बंद करना। और पापा इसको वो कर रहे हैं, ऐसे डाल दूं? गाइस मेरी मम्मी तो सजाती नहीं है, कम से कम पापा तो सजा के खाते हैं, वो भी प्रेजेंटेशन ठीक रहे। हटा दूं? रुको ये लो इसमें शायद जो भी पापड़ी पुपड़ी होगी डालो। बंद गोभी आ रही है, तो मैं तो बंद ही करती हूँ। आरती को आदत है एसी में बैठने की, मेरे को तो आदत ही नहीं है। मैं तो ड्राइंग रूम में भी मैं आप नोटिस करना, पनीर का पीस भी पापा ने सजा दिया है, ये देखो। सजाने के चक्कर में ना इन्होंने समोसे वाली चटनी भी डाल दी है, जो अचार वाली है। गोलगप्पा ये लो नमकीन पानी पापा को, तीखा पानी मीठा पानी मम्मी के पास। तो पीपल मैं डाल रही हूँ सबके लिए रस मलाई, बुआ आई हुई है क्योंकि पापा लेके आए हैं स्पेशली अपनी बहन के लिए। मैं आपका नाम रिवील नहीं कर रही, बट आप मुझे ये बता दो कि आपकी रीडिंग कैसी गई? रिलेटेबल। आपकी ये सेकंड रीडिंग थी, ये आपने थोड़ा कनेक्ट किया? बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच।
कैसा रहा आप दोनों का सेशन आज ईशा और श्रद्धा? थी बहुत अच्छा था, हर चीज़ लाइक जो भी कन्फ्यूजन्स वगैरह थी वो सारी सॉर्ट आउट हो गई। अब तक आपने जितनी रीडिंग्स ली हैं सारी एक्यूरेट गई हैं? हाँ जी, सारी डेट लाइक डेट जो आपने बोली थी वो भी एक्यूरेट गई हैं, एंड जो आपने टाइमलाइंस वगैरह बताई थी वो भी। ठीक है आप दोनों। सो गाइज, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था मेरा, और ये अभी सब बोलेंगे बीच में जब मैं एंड कर रहे होंगे, वो एक बार लगा दो, मेरे को ब्लॉग एंड करना है। आज क्या डे है मम्मी? ट्यूसडे। आज था ट्यूसडे और काफ़ी बिजी दिन था ये हमारा। आज मैंने सेशन लिए टैरो के, अभी मैंने आपको जो रिव्यू शेयर करे हैं वो सारे टैरो के सेशन थे जो मैं लेती हूँ। अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तू बोल ले, यही चीज़ें बोल ले ब्लॉग में, बोल ले, तू ब्लॉग बोल ले सारी चीज़ें। खड़ी है इसकी सुन लो पहले। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।